हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो दो सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया मैंने। अब एक्सेल में आज मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला, आज मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल के फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है। तो चलिए यहाँ से फाइल पर चलते हैं। अब इस फाइल को मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं सेव एज कर अब डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे गया मैं और यहाँ से जाकर के मैं इसे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको डेस्कटॉप दिखाई पड़ रहा होगा, तो बस डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसे 123 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये 123 कोई भी नाम आप दे सकते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 123 नाम दे दिया है और यहाँ पर इसको कर दिया है सेव। तो अभी मैंने सेव कर दिया, ये हमारे डेस्कटॉप पे आ भी गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं 123 नाम से तो कोई फाइल अभी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब ये तो हमने एक फाइल सेव कर ली, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। अब हम लिब्रा कैल्क की फाइल को सेव करेंगे। तो ये लिब्रा कैल्क भी ओपन है और यहाँ से चलते हैं, ये भी ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ सेव एज पे क्लिक करता हूँ और इसको भी हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो यहाँ से आ गए हम डेस्कटॉप पर और ये हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है, बस इसी पे क्लिक कर दीजिए और इसको हम 456 के नाम से सेव कर देते हैं। और डेस्कटॉप पे ही मैं इसे क्लिक करके और सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया डेस्कटॉप पे। तो एक तो फाइल हो गई आपकी 123 नाम से, ठीक है। और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 456 भी आ गई है। तो अभी ये वाली फाइल एक्सेल की है, क्या डिफरेंस है और क्या इसमें डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस एक्सटेंशन से क्लियर होता है। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें .xlsx दिखा रहा है, ठीक है। 2016 है तो ये x लास्ट में जुड़ गया है, अगर 2007 होता तो केवल xls दिखाता, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि एक्सटेंशन से कर सकते हैं, आप यूनिकली फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करिए, ये लिब्रा कैल्क वाली फाइल है, यहां पर देखेंगे तो .ods नजर आएगा। तो ये जो है लिब्रा कैल्क के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है।